जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। आपकी ऊंचाई आपको मुबारक हो, क्योंकि आप इतने ऊंचे चले गए हैं, इतने ऊंचे चले गए हैं कि जमीन दिखना बंद हो। ये कहना कि देश में पहले के जो काम हुए उसको हम बिल्कुल गिनते ही नहीं हैं और बार बार हमको सुनाते रहना, ये सुनाने का उन्हीं को हक है जिन्होंने कभी किसी को स्वीकार किया हो। वरना देश को लगता था कि उनके कार्यकाल में नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिलता, उनके कार्यकाल में पहली टर्म के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भारत रत्न मिलता, लेकिन परिवार के बाहर के व्यक्तियों को कुछ नहीं मिलता है। ये हम हैं, हमारी सोच है। प्रणव दा किस दल से थे, किस पार्टी के लिए उन्होंने जीवन खपाया, उसके आधार पर हम निर्णय नहीं करते हैं। उनके देश के लिए योगदान था, भारत रत्न का निर्णय हम कर सकते हैं। हमें इसलिए कोसा जा रहा है कि फलाने को जेल में क्यों नहीं डाला। ये इमरजेंसी नहीं है कि सरकार किसी को जेल में डाल दे, ये लोकतंत्र है, ये काम न्यायपालिका का है। कांग्रेस को कई बार अच्छे अवसर मिले, लेकिन पता नहीं क्यों इतना ऊंचे है कि कुछ चीजें वो दिखती नहीं, छूट जाती। 50 के दायके में यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा चल रही थी, कांग्रेस के पास अवसर था, लेकिन कांग्रेस उसको मिस कर गई और हिंदू कोड बोल लाकर के उन्होंने अपनी गाड़ी चला दी। उसके 35 साल बाद कांग्रेस को दूसरा अवसर मिला शाबानों का, सुप्रीम कोर्ट ने पूरी मदद की थी और देश में जेंडर इक्वलिटी के लिए एक अच्छा सा वातावरण की संभावना बनी थी, लेकिन उस ऊंचाई ने नीचे की चीजें देखने से मना कर दिया और वो मिस कर दिया। आज 35 साल के बाद फिर से एक बार कांग्रेस के पास मौका आया है, हम बिल लेकर के आए हैं इस देश के नारी के गौरव को। इसको किसी ने संप्रदाय से जोड़ने की आवश्यकता नहीं है।